हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ब्लॉग 96। और आज मैं आ गया हूँ कावासाकी के शोरूम में। और भाई मेरे सामने खड़ी है जेड एक्स टेन आर, आज इसी का रिव्यू करने वाले हैं। तो भाई जाना मत वीडियो में से कहीं भी। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प बाइक के अंदर देखने को मिलता है और काफ़ी प्रीमियम यहाँ लाइटिंग बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं बाइक की लुक की, थोड़ी सी लुक की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है साइड से भी लुक अगर फ्रंट की आप देखोगे तो। साथ ही साथ 43 mm के USD सस्पेंशन आपको यहाँ फ्रंट में बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 330 mm के ड्यूल डिक्स बाइक के अंदर मिलते हैं ब्रेम्बो के ब्रेक के साथ में। साथ ही साथ अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर। अगर टायर साइज की मैं बात करता हूँ तो 100x70 R17 का यहाँ पर आपको टायर साइज बाइक के अंदर मिल जाता है। सिंगल हॉर्न यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ओवरऑल लुक की बात करता हूँ तो भाई बहुत ही प्रीमियम लुक है, रोड ऑफ किंग है कावासाकी और अपने आप में ये सुपर बाइक काफ़ी फेमस है। बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की, तो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसके अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लॉक। मोड्स की बात करते हो तो यहाँ पर आपको रेन मोड, रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड, लॉन्च कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बाइक के अंदर मिल जाती हैं। 4.3 TFT कलर डिस्प्ले यहाँ पर कंपनी आपको मीटर के अंदर प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने में मीटर कंसोल लगता है। हैंडलिंग की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी हैंडलिंग बाइक की यहाँ आपको मिल जाती है। हैंडल पे भी आपको एक छोटा सा यहाँ पर ये एडजस्ट सस्पेंशन करने लगा हुआ मिलता है यहाँ पर, जिससे आपकी हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। ये है बाइक के मिरर, काफ़ी प्यारी लुक है मिरर की और यहाँ पर आपको मिरर के अंदर भी इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। अगर टैंक की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक बाइक के अंदर मिलता है। टैंक पैड आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिल जाता है बाइक के अंदर। साथ ही साथ स्प्लिट सीट डिजाइन यहाँ पर आपको कावासाकी जेड एक्स टेन आर के अंदर मिलता है। बात करते हैं इसके बहुत ही प्यारे से साउंड वाले इंजन की। यहाँ पर आपको 998 cc का लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम 203 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। 114.9 Nm टॉर्क, एयर कूल्ड एंड लिक्विड कूल्ड दोनों ही चीजें यहाँ आपको मिलती है। सेल्फ स्टार्ट, वेट मल्टीपल क्लच यहाँ आपको मिल जाता है, डिजिटल इग्निशन यहाँ पर मिलता है, 6 स्पीड गेयरबॉक्स यहाँ पर बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अगर ओवरऑल इसके इंजन की बात करूँ तो काफी बल्कि इंजन है यहाँ पर, आपको टर्बोचार्ज भी मिलता है इसके अंदर और पूरा इंजन यहाँ पर आपको बाइक का कवर मिल जाता है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, तो रियर के अंदर आपको हॉरिजेंटल बैक लिंक सस्पेंशन देखने को मिलता है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करा सकते हो। साथ ही साथ अगर एग्जॉस्ट की बात करता हूँ तो सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश में यहाँ पर आपको जेड एक्स टेन आर का एग्जॉस्ट मिल जाता है। रियर डिस्क की बात करता हूँ तो 220 mm का यहाँ पर आपको रियर वाला डिस्क मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और ब्रेकिंग की बात करूं तो काफी अच्छी ब्रेकिंग होगी भाई इस बाइक की। साथ ही साथ रियर टायर की बात करता हूं तो काफी चौड़ा यहां पर आपको रियर टायर मिलता है। रियर में ही आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और काफी प्यारी बैक लुक भी बाइक की आपको मिल जाती है। और ये कावासाकी का यूनिक कलर है, आपको सभी को पता है। बात कर लेते हैं बाइक के कर्व वेट की, तो यहाँ आपको 207 kg का कर्व वेट इसका मिलता है। अगर प्राइसिंग की बात करता हूँ तो भाई 19 लाख के अबव है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।